बोलिए बेटे, प्रश्न क्या क्या था आपका? मध्य प्रदेश के उमरिया जिला से हूँ। करेंटली उमरिया? हाँ जी, मैं इस समय अभी सूरत में हूँ जी। अच्छा। और क्या पूछना चाह रहे थे बेटे? मैं क्या बताऊं, मेरे लाइफ की कहानी अब आप तो समझ सकी होंगी कि एकदम मैं हर जगह असफल क्यों होता हूँ। पढ़ाई लिखाई करने के बाद बेटे आप तो नौकरी हार जाते हैं, जी। मनोस्थिति भी आपकी डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि चिड़चिड़ाहट ज्यादा महसूस आप कर रहे हैं। जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं वो आधा अधूरा ही रह जाता है जी हाँ मैम और आप निराशा अनुभव करते हैं क्योंकि जी, बिल्कुल घर से लेकर के बाहर तक आपको चैन नहीं है, नहीं क्योंकि घर का भी सुख आपको पूर्ण रूप से मिल नहीं पाया, घर के लोगों ने जी भी आपको पूर्ण रूप समझ नहीं पाया, और जबकि जी आप ज्यादा से ज्यादा घर के लिए ही करना चाहते हैं। जी आपकी सारी दुनिया आपका घर है, लेकिन घर वाले जो है थोड़ा सा आप पे ध्यान नहीं दे पाते हैं पूर्ण रूप से, जी और अकेला महसूस कर रहे हैं आप, जी और कभी-कभी तो टेंशन में आप उल्टा सोचने लगते हैं अपने आप के लिए कि मैं अब हार गया, अब मुझे नहीं जीना है। ऐसे विचार आपके अंदर कई बार आने लगते हैं, जी आते हैं कि नहीं आप बताएं? हाँ, कभी और वो कभी कभी के विचार कभी कभी तेजी से उत्पन्न हुए तो बिना सोचे समझे व्यक्ति ऊटपटांग गलत कदम उठा लेता है, जिससे जी बिल्कुल किसी को क्षति नहीं होती, स्वयं को क्षति होती है उससे। अभी आपका मन बिल्कुल स्थिर नहीं है क्योंकि अपनों ने ही आपको धोखा दे दिया, जी जिनके ऊपर आपने अधिक विश्वास किया उन्होंने आपको धोखा दे दिया। जी आपके मनोस्थिति काफी डिस्टर्ब हो गई है उस कारण, क्योंकि जी समय से पहले आपने बिना सोचे समय निर्णय ले लिया और झुक गए, और वो झुकना भी आपके लिए सही सूटेबल नहीं हुआ, सही था जी नहीं हुआ। जी आज आपको उसमें भी शंका हो रही है, कहीं मैं गुमराह तो नहीं हो रहा हूँ, मुझे गुमराह तो नहीं किया जा रहा है, ऐसा आपको लग रहा है? लग रहा है कि नहीं बेटे? जी 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 और ये जीवन में सटीक निर्णय लेने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो मैम इसके लिए मैं करूं रास्ता भी चल रहे हैं तो क्या? आपका मन स्थिर नहीं है, सोच कहीं रहे हो, देख कहीं रहे हो, चल कहीं रहे हो। बिल्कुल मैम ऐसा तो होता ही एनी टाइम। हाँ, और ये सब ठीक करने के लिए भगवान शिव की कृपा आप प्राप्त करें, भगवान शिव जी का सानिध्य प्राप्त करें, माँ बगलामुखी देवी की दीक्षा लेकर के और मैया की आराधना करके सर्व सुख और सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि अभी का जीवन तो आपका बड़ा व्यथित अच्छा है, चिंता ग्रसित है, जी और अपने आप को आप गिराना नहीं चाहते थे लेकिन धोखे से गिर गए हो। मैं फिर करूं क्या? ऐसा कोई काम बताए कि ये टाइम इस काम में आप सफल हो सकते हैं, ऐसा कुछ करिए। ठीक, आप अगर चाहते हैं कि आप अपने कार्य में सफल हो, जी जो कार्य आपके लिए सूटेबल है और आपको लग रहा है कि ये मेरे उच्च शिखर में पहुंचने का मार्ग है जी और उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो जी स्वयं के कर्मों से तो करके देख लिए जहां के तहां ही हो, जी ईश्वर की कृपा से, माता रानी की कृपा से आप आगे बढ़ना चाहें तो मैया का जहां सपोर्ट हो जाता है, बाबा भोलेनाथ का जिसके जीवन में सपोर्ट हो जाता है, तो वो सर्व कार्य में सफलता प्राप्त करता है, जी जीवन में सर्व सुख प्राप्त करता है। भगवान जी शिव की कृपा प्राप्त करें, माँ बगलामुखी देवी की कृपा प्राप्त करें, आपके जीवन में सुख और सौभाग्य के दरवाजे खुलेंगे बेटे। तो बिजनेस क्या करूँ? बिजनेस करूँ कि नौकरियों की लग सकती है? अभी कोई चांस है कुछ? बिजनेस के लिए तो अभी तो आप परेशान हो रहे हैं, बिजनेस में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। किसी भी काम में मैं जहां भी जाता हूँ केवल फेल होता हूँ। कोई भी काम करता हूँ बस वहां से मुझे कहीं ना कहीं ऐसी जगह गिरता हूँ कि बस मैं जी रहा हूँ, ना अपना ना अपने परिवार का, किसी का शौक पूरा नहीं कर पा रहा बिजनेस के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, पितृदोष की शांति करवाएं, क्योंकि राजयोग में आपके क्षीणता के योग है, आपके पितृजन ही आपके भविष्य में विकास में ब्रेक लगा रहे हैं, तो पितृदोष की शांति करवाएं आप, और आपका जीवन जो है पितरों से ग्रसित है, आपका जीवन पितरों जी। यानी प्रेत आत्माओं से ग्रसित है आपका जीवन,
और जी पितरों से आपको मुक्ति मिलेगी, तभी आप उच्च शिखर को प्राप्त करेंगे। पितरों की शांति करवाएं, बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें दीक्षा लेकर के, जी और फिर अपने शिव भगवान शंकर की कृपा से और माता रानी के आशीर्वाद से, पितरों के जी आशीर्वाद से आप आगे बढ़े, पितर की शांति कराएं, दीक्षा लेकर के भगवान शिव और माता बगलामुखी की कृपा प्राप्त करें।